Hey guys, welcome to the channel Versatile Varieties and good morning everyone. आज थोड़ा वियर्डली मैंने स्टार्ट किया है, आप देख सकते हो वीडियो का एंगल. एक्चुअली मॉर्निंग का टाइमिंग है, बहुत मस्त सा मौसम होकर रखा है, मॉनसून वाला, बारिश वाला. सो आपको टाइटल से पता चल चुका होगा, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट अ फूड चैलेंज. सो मैंने सोचा दिस इज द मॉनसून टाइम एंड परफेक्ट टाइम फॉर डूइंग अ फूड चैलेंज. और आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स नूडल्स ईटिंग चैलेंज. सो वीडियो को स्टार्ट करूंगी, लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को एक फन फैक्ट बता दूं कि मुझे नूडल्स खाना उतना पसंद नहीं है. अगर मैं वन टाइम दिन में नूडल्स खाती हूँ तो एक महीने के लिए मुझे नूडल्स खाने का मन नहीं होता है. अरे कहना क्या चाहते हो? जी हाँ, तो मेरा इतना बुरा रिश्ता है नूडल्स के साथ. तो दिस चैलेंज इज एक्चुअली गोइंग टू बी चैलेंज फॉर मी. कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 24 आवर्स नूडल्स चैलेंज है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी चैलेंज फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट अ नूडल्स लवर. तो देखते हैं कि क्या होता है, चैलेंज सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है. लाइक वन टाइम खाने पे मुझे 3 हफ्ते तक मन नहीं होता है, तो आज मैं 4 टाइम्स खाने वाली हूँ तो 2 महीने तक शायद मन नहीं होगा. पता नहीं चैलेंज सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, आप भी देखोगे मैं भी देखूंगी. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए. और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, देन गो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का 24 आवर्स नूडल्स ईटिंग चैलेंज विथ ब्रेकफास्ट. सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग अ ब्रेकफास्ट, मैं बता दूं कि ब्रेकफास्ट के लिए मैंने चूज किया है मैगी, बिकॉज आई नो कि नूडल्स चैलेंज विदाउट मैगी विल बी इनकम्प्लीट, राइट? क्योंकि मैगी इमोशनल होता है बहुत सारे लोगों का. सो मैगी इज एक्चुअली द इमोशन. सो मैगी को अगर मैं नहीं रखूंगी तो कुछ लोग मुझे मारेंगे, आई नो दैट. तो इसलिए मैंने मैगी रखकर रखी है स्टोरीज. और यहाँ पे भी मैं एक फनी फैक्ट बता दूं मेरे बारे में कि दिस मैगी आई जस्ट परचेज दिस वन जस्ट फॉर दिस चैलेंज एंड आफ्टर 2 ईयर्स मुझे मैगी पसंद नहीं है. आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे मैगी पसंद नहीं है. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो इसलिए मैं मैगी 2 साल बाद मैं खाने वाली हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज. क्योंकि आई नो कि चैलेंज में मैगी नहीं रहेगा तो इट विल बी इनकम्प्लीट. सो दैट्स व्हाई मैंने सिर्फ एक ही पैकेट खरीदा है मैगी ब्रेकफास्ट टाइम के लिए, जो सबका फेवरेट 2 मिनट्स मैगी नूडल्स बॉयल वाला मैं बनाने वाली हूँ, सिंपल सा, क्योंकि ब्रेकफास्ट सिंपल ही अच्छा लगता है. तो वो वाला मैं बनाने वाली हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा मेरा रिएक्शन भी मिल जाएगा. वो मतलब 2 साल बाद फर्स्ट रिएक्शन. सॉरी, लंच टाइम. और लंच में मुझे थोड़ा सा हेवी खाना पसंद है. और अगर आपने देखा होगा मेरे व्हाट आई ईट इन अ डे, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, मैं ऊपर कार्ड कर दूंगी घर के ही. सो अगर आपने देखा होगा तो मेरा हेवीएस्ट मील ऑफ द डे मेरा लंच होता है. और लंच में मुझे राइस खाना बहुत ज्यादा पसंद है, पर क्योंकि आज हम लोग कर रहे हैं नूडल चैलेंज तो हम लोग नूडल्स ही खाएंगे. पर क्योंकि मैं हेवी सा लेती हूँ लंच, मेरा थोड़ा सा हेवी सा रहता है, आई एंजॉय हैविंग लंच. सो बहुत यम्मी सा नूडल्स बनाएंगे एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स. वैसे एज सच फेवरेट तो मेरा कुछ नहीं है जैसे कि मैंने बताया शुरू में, बट स्टिल अगर मुझे कभी मन होता है तो ये वाला मैं खाती हूँ. कैसे तो कि मिक्स्ड वेज चाओ जो पूरा फ्राइड सा होता है, उसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स एंड क्योंकि मैं एलर्जिक हूँ एग से, सो मैं एग नहीं लेती हूँ. व्हाट्सअप हो चुका है इवनिंग स्नैक टाइम. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज सुबह से 2 टाइम मैगी खा चुकी हूँ, नॉट मैगी, नूडल्स खा चुकी हूँ. हाँ, मैगी भी खाए थे मैंने. सो खा चुकी हूँ तो लिटरली मुझे बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कुछ भी लेने का इवनिंग स्नैक में. मैंने जैसे आपको बताया था शुरू में कि मैं दिन में एक बार खाती हूँ तो 1 महीने के लिए मेरा मन नहीं रहता, और आज तो लिटरली मैंने 2 टाइम्स ले लिया है. बट स्टिल बिकॉज आई ऑलरेडी प्रॉमिस्ड यू कि आई विल बी ईटिंग ओनली नूडल्स टूडे फॉर 24 आवर्स, सो आई विल नॉट स्किप माई इवनिंग स्नैक. वरना मैं स्किप कर देती
तो इसलिए मैं इवनिंग स्नैक लूंगी। तो मैंने सोचा कि इवनिंग स्नैक के लिए मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स कह सकते हो, क्या सच मुझे नूडल्स पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ाई करती थी यूनिवर्सिटी में थी तब ये जो है यूपी ये मैं बहुत खाती थी बॉयल करके, एंड आई डोंट नो मुझे ये बहुत पसंद है। इसके अंदर जो पैकेट में जो मसाला रहता है वो मुझे आई डोंट नो बट एनी हाउ वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो मसाला, दैट्स वाई आई लव इट। मैं बहुत ज्यादा खाती थी एक टाइम पे, अभी भी मैं कभी कभी अगर मन होता है तो यही खाती हूँ, क्योंकि एक तो ये बहुत छोटा सा पैकेट है 5 रुपए का, एंड इसमें क्वांटिटी बहुत मतलब थोड़ी सी होती है तो उससे पेट भी ज्यादा ओवरफीड नहीं हो जाता है, तो बस मन भरने के लिए काफी होता है पेट भरने के लिए नहीं, तो मेरे लिए तो इट्स परफेक्ट। सो मुझे 5 रुपए का यूपी जो है मुझे बहुत टेस्टी लगता है, तो मैंने सोचा कि इवनिंग स्नैक के लिए ये ही परफेक्ट होगा, क्योंकि कम भी होगा पेट भी नहीं भरेगा एंड डिनर भी तो करना है ना फिर से नूडल्स। लॉन्ग नूडल्स डे, फाइनली इट्स डिनर टाइम, तो डिनर करेंगे हम लोग, और डिनर पे मैंने एक और डिफरेंट सा टाइप ऑफ नूडल्स रखे हैं, एंड दैट इज दिस वन। बिफोर कुकिंग लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज दिस वन, दिस इज वाई वाई। प्लीज आप लोग कमेंट्स पे मुझे बताना कि आप में से कौन कौन ये खा चुके हैं, ये ट्राई कर चुके हैं, अगर नहीं किए हो तो प्लीज गो एंड ट्राई दिस वन। जब मैं अपना एजुकेशन मेरा चल रहा था, आई वॉज एट यूनिवर्सिटी, तब ये मैं बहुत ज्यादा खाती थी। एक्चुअली वहां पे हॉस्टल में मैं रहती थी, वहां पे सारा जो रूममेट्स मेरे थे या हॉस्टल मेट्स जो लोग थे बहुत ज्यादा वो लोग ये वाई वाई खाता था, उन्हीं से मैंने ये खाना सीखा है। एंड दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस वन इज दैट कि आप 3 तरीके से खा सकते हो। एक है इंस्टेंट, लाइक दिस इज ना इंस्टेंट नूडल्स, इसको ऐसे ही मिलता है कि वाई वाई इंस्टेंट नूडल्स, और ये 2 फ्लेवर में आता है चिकन एंड वेज, एंड दिस वन इज चिकन, या दिस वन इज चिकन। तो इसको ना 3 तरीके से खा सकते हैं, इसको इंस्टेंट नूडल्स बोलते हैं। तो पहला तरीका होता है कि इसको आपको पहले तोड़ना होता है, पैकेट में ही आपको ऐसे तोड़ना होता है, तो ये पूरा तरह से एकदम से क्या कहूं मैं, मतलब डस्ट की तरह हो जाता है, डस्ट नहीं भुजिया जैसा हो जाता है, और इसके अंदर 3 डिफरेंट स्पाइसेस रहता है जो कि इसका स्पेशलिटी है, जो आपको किसी भी नूडल्स पे नहीं मिलेगा, मतलब मुझे तो नहीं पता कि किसी नूडल्स पे मिलता है भी या नहीं। तो वो जो 3 तरह के मसाले हैं छोटे छोटे पाउचेस में इसके अंदर मिलते हैं, वो इसके आपको डालना पड़ता है, एंड देन आपको शेक दिस थिंग, और वो पूरी तरह से भुजिया बन जाता है, और आप उसको ऐसे ही ड्राई स्नैक की तरह खा सकते हो, जिस तरह से मैं खा के आई हूं, और मैं भी देखती थी कि सभी उसी तरह से इसको खाता था, दैट्स व्हाई इट्स फेमस कि इंस्टेंट नूडल्स करके। पर इसके पीछे आपको दिखेगा कि यू कैन कुक इट इन 3 वेज, 3 डिफरेंट वेज पे ये बन सकता है, आई डोंट नो आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं। तो एक है वो इंस्टेंट वाला जिसको कह रहे हैं कि मंच पेक्ट करके, और एक होता है सूप वाला, और एक होता है नॉर्मल फ्राइड वाला। Finally, I'm all ready to have my final meal of the day, that's the dinner, and you can see that I'm literally struggling to have it. By the way, ये वाला जो noodles था वो मैंने first time soup try किया था, and it is the perfect soupy smooth type of noodles. You can see that I'm literally enjoying my dinner. So, day खत्म हो चुका है, आई होप कि आप लोगों को पूरा दिन का सफर अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स में बताना कि ऐसे चैलेंजेस आप और ज्यादा देखना चाहते हो या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल, बाय।